तो सोस फूड कॉर्नर रे आज आपण सांगरे गोटे बहुत ही बेसिक आ बहुत ही पॉपुलर रेसिपी शेयर करी। एटा आलू प्याज आ पनीर रे तैयार हेथिबो गोटे बहुत एक्जोटिक रेसिपी। यदि आपण गेस कर पारनांती तले वीडियो निश्चित देखंतो आपण बहुत भल लागिबो। नमस्कार, मु शुभंकरी, आपण मानको मो चैनल सोस फूड कॉर्नर ओडिया को बहुत बहुत स्वागत करूछि। आशा करूछि कि आपण माने बहुत भल रहथिबे। यदि मो चैनल ले नुवा तले प्लीज सब्सक्राइब करनियंतो और बेल बटन को टैप करे को बिल्कुल ही भूलिबेनी। बेल बटन ऑल ले क्लिक करिवे और मो वीडियोस को एते पसंद करिवारो आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट इंग्रेडिएंट बा सामग्री ए रेसिपी रे होछि प्याज। एटा एज ए इंग्रेडिएंट हम यूज करबा मसला बाटिया पई नहे। तो छोटो साइज टे प्याज नै छि मु चेष्टा करिवे मीडियम ओ टिके छोटो साइज नेबे ताको एमती चोपा छडै के हम यूज करबा। ओइठि मु छोटो आलू नै छि ताको चोपा छडै के एमती पानी रे बतुरे के रखि छि। जे टिके बडा थिबो ना ताको आपण हाफ भी कर परिबे। देखंतो ये टिके साइज रे बडा थिला मु ताको हाफ कर दे छि। तो छडा 300 ग्राम पनीर नै छि क्यूब्स रे कटा हे छि टिके बडा साइज क्यूब्स रे। आ मसला पई छोट छोट प्याज चट्टा रसुण अदा टमाटो आ कंचा लंका ता छडा ए डिश रो मेन कलर जो आसे सेटा होछि लंबा कश्मीरी लंका बा मथानियम लंका को कोनते नथिले आपण कश्मीरी लंका गुंड पाउडर भी यूज करिपरिबे। आ कंचा हळदी डिश रे यूज हुए जदि थिबो आपण निश्चिंत यूज करिवे। अदरवाइज नॉर्मल हळदी गुंड रे भी डिशटा करि हबो। बट मु पूरा ओरिजिनल रेसिपीटा बताउ छी। तो पे धीरे ए दीरा इंग्रेडिएंट्स मु यूज करछि। तो सबु तक हमें ब्लेंडर रे ऐड कर दबा प्याज रसुण अदा कंचा लंका कंचा हळदी से लंबा कश्मीरी लंका आ मथानियम मिर्च तक कोनते आ टमाटो ऐड करके बिना पानी रे आको पेस्ट कर दबा। बिल्कुल अधिक पानी दरकार नहीं जो मसला पेस्ट पाई। तो यहाँ रेडी होगा। ता छड़ा कढ़ाई टिके तेल गरम करके हमें फर्स्ट पनीर फ्राई कर दबा। मु आगुरी भी बहुत थर कही बहुत क्वेरीज भी आसे कि पनीर बेले बेले भल न थाए कि पनीर फ्राए कला परे पनीरटा टाण हो जाए टिके माने एमती हार्ड हो जाए कि रबर टाइप रह जाए। तो ताको अवॉइड करिया पई पनीर छाणीबा मात्रे छणा पनीर को लुण पानी रे पानी रे टिके लुण ऐड करके ताको हमें डिप कर दबा बुड़े कि रखिबा। जतले यूज करिबा ताथरो चुपुड़ी कि यूज करिबा पनीर केबे बे टाण होबनी। आउ सेही तेल रे पनीर छणला परे आलू टिके हमें फ्राई कर दबा गोल्डन हला पन तो फ्राई कर दबा। ए रेसिपीटा ना जेमती ओरिजिनल हुए मु सेमती ही आपण मानु बतौ छी किछि भी चेंज करनी। आउ एटा राजस्थान रो गोटे बहुत ही फेमस शॉप रे डिश बहुत पॉपुलर जो मन राजस्थान जानते डिशटा निश्चिंत चखि के आसंती एत्ते पॉपुलर सिटी एटा। तो से किसी भी चेंज करनी ए रेसीपी आलू फ्राए होमें से ही प्याज फ्राए करदे। ये प्याज ना जमी मुझे कहली टी हाई फ्लेम रे फ्राए करवा जस्ट गोटे रू दि मिनिट अधिक समय नुहे क्या प्याज अधिक समय फ्राए कले एकदम नरम होमें खाली तक ऊपर लेयरटा टे क्रिप्स कर बस से। तो बस गोटे मिनिट पर हार्डली आपको फ्राए करवा फ्राए करके काढ़ीद। तो ये आम डिश प्रिपेयर करवा सब तीन टाइम जिनस फ्राए हो अलग गोटे कढ़ई में तेल ऐड करके गोटा गरम मसला ऐड करदे डालचीनी गुजराती लवंग ऐड कर दे तेजपत्र ऐड करदे ऐड करके से जो मसला पेस्टा आम करते टिके यहाँ गोटा गरम मसला भाजी हो 10 सेकेंड पर मसला पेस्टा ऐड करदे। यही रेसीपी ना बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी यूज करा जाए नहीं। जदि भी आप ऐड करेंगे दी तीन चामच मात्र यहाँ पूरा लटपट सुखा सुखा ही हुए। तो 30-40 सेकेंड टी खोला आंच कसिला परे फ्लेम लो कर दे कि घोड़े के छाड़ दबा 2-3 मिनिट। 2-3 मिनिट रे कौन हबना मसला टिके कुक हबा स्टार्ट हो जाए। देखो तेल ऊपर को आसवा स्टार्ट हो गला एटा पूरा कुक हैनी बट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गला 50% एटा कुक हो जाए। तो 2-3 मिनिट लो आंच घोड़ेला परे फ्लेम लो ही रखिबा। एबे आमे दही ऐड करिबा हाफ कप। ये हाफ कप दही मुझे इतना नहीं कहना एतिक रेसीओ जदि आप पनीर क्वांटिटी बढ़ेबे आलू क्वांटिटी बढ़ेबे से हिसाब से दही क्वांटिटी बढ़ेबे। तो बस लो फ्लेम में टे गोले देकी पुणी लो फ्लेम रे आमे आको ढांकी दबा नेक्स्ट 4-5 मिनिट। 4-5 मिनिट पर मसलाटा ऑलमोस्ट कसी जाइ थिबो दही पूरा बढ़िया कि आधे मैंने मिसी जाइ तेल ऊपर पलि आ। तो एबे फ्लेम लो ही रखिकी फर्स्ट आम आलू ऐड करवा आ लुण ऐड करवा जी आपर डिश हिसाब से थी हल्का टी गोल देकी पुणी लो फ्लेम रे ढांक छाड़ीद कारण जेहतु आम पानी यूज करने ना खोला आंच कले बहुत जल्दी ड्राई हो। तो लो फ्लेम रे ही से स्टीम रे ही यहाँ कुक हम। तो पखापाखि 4-5 मिनिट लगे आलूटा अलरेडी टी फ्राए होता यहाँ होता एवं 4-5 मिनिट पर आम ढाकुड़ी खोलिकी पियाज पनीर आ गरम मसला हाफ चमच ऐड करके गोलईद गोले देकी पुणी लो फ्लेम रे घोड़े के छाड़ दबा हेले एथर घोड़ेबा पाखापाखी 10-12 मिनिट। एटा ही फाइनल कुकिंग टाइम।
आउ ए जो 10-12 मिनट आम घोड़ेबा चाहिए आप स्टेज रे टिके 2-3 चम्मच पानी ऐड कर पारे बट मोर दरकार पड़ ना मोर पूरा परफेक्ट थी तेजपत्र काढ़ी तो 10-12 मिनट एकदम लो फ्लेम घोड़ेदे मझे थोड़ा चेक करदे आ देखो 10-12 मिनट पर बिल्कुल भी ड्राई सुखा है कारण आम आंच बिल्कुल भी खोलिकी कुकर ने घोड़े घोड़े की कुक करचे आईटा पूरा परफेक्टली डन पियाज पूरा परफेक्टली गोटा अच्छी आलू सीझी जाइए आउ एकदम लटपटा हो बहुत टेस्टी लगे गैस ऑफ कर देके लुण हरिका चेक करदे कंचा लंका एमती मझीरू काटिके ऐड करदे तार बहुत बढ़िया स्मेल आसे गैस ऑफ कला ही कंचा लंका ऐड करेंगे आ गरमा गरमा को सर्व करवा आपण देखिपे पियाज जो छोट छोट पियाज पूरा गोटा अच्छी आलू पनीर सब इंटाक्ट अच्छी आ मसलाटा पूरा एमती लटपट हो जाए बहुत ही टेस्टी लगे थोड़ा ट्राए करेंगे करके समस्त को सरप्राइज करदे निश्चिंत भल लगे एवं समय हो कमेंट ऑफ द डे आज कमेंट हूँ पुरु 15 कर हैंडल का ना से लिखते आई मेड दिस यस्टरडे फॉर डिनर एंड इट वाज वेरी टेस्टी यू आर माय सेवियर इन माय इन-लॉज किचन थैंक यू फॉर योर अमेजिंग रेसीपीज थैंक यू सो मच पुरु मत तुम कमेंट बहुत भल लगला से मशरूम छतुर वीडियो ऊपर कमेंट कर लास्ट पोस्ट करी एंड मत बहुत भल लगला से कहले कि यू आर माय सेवियर इन माय इन-लॉज एक्चुअली ये मु भी मानने मो इन-लॉज का घरे कि कै मु भी बहुत माने टिके कॉशियस हो जाए इटा नेचुरल जिते भी आप जानी था कि जिते भी आप यूज टू था सो ग्लैड कि आपको इन-लॉज मानक भी भल लगला एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो आज रेसीपी राजस्थान रे ऑथेंटिक आ बहुत ही पॉपुलर आलू पियाज आउ पनीर ए डिशटा तो ट्राए करेंगे आप फैमिली मेम्बर्स मैं सरप्राइज करदे कि आप घरे थी ओडिशा थी अन्य स्टेट्र अन्य कुजिन से ट्राए करेंगे तो मैं निश्चित जनइबे आप फैमिली मेम्बर्स मानकर केमती रिएक्शन है मुझे वेट करी आदि वीडियो भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करा बिल्कुल भी भूल चाहिए सुस फुड कॉर्नर ओडिया को इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो करेंगे तो देखा हम नेक्स्ट वीडियो से स्टे सेफ लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।